द कश्मीर फाइल्स। दोस्तों ये मूवी लगातार चर्चा में बनी हुई है, इस मूवी को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। इस पिक्चर में कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद लोग अपने इमोशंस को नहीं रोक पा रहे हैं और भावुक होकर रोने लग रहे हैं। What you did it's just an impossible task for everyone, whatever you did for us. फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया कि लोग खुद को इससे कनेक्ट कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, खासकर जो लोग कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी हिंदू हैं। दोस्तों 1989 और 1990 के स्टार्टिंग के मंथ्स में कश्मीरी पंडितों पे एक विशेष समुदाय ने बहुत अत्याचार किया और 1990 के जनवरी मंथ में स्टार्टिंग में हद पार हो गई जब इनके प्रार्थना स्थलों से अनाउंसमेंट हुई कि जो कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू हैं वो वैली को घाटी को छोड़ के चले जाएं या मरने के लिए तैयार रहें। दोस्तों इस अनाउंसमेंट के बाद एकदम से कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों पे अटैक स्टार्ट हो गए और इन शांति दूतों ने ऐसा मारा, ऐसा भगाया इन लोगों को, मतलब घर में घुस करके कत्ले आम किया, उसी को इस मूवी ने सच्चाई में दिखाया है, उसको कन्वर्ट किया है। दोस्तों हद यहाँ तक की थी कि श्रीनगर के हाईकोर्ट के जज को खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारी गई और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने साफ इन सब चीज़ों से अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता और इससे ये साबित होता है कि वो इस मैसेकर को सपोर्ट कर रहे थे और इन शांति दूतों को वो सपोर्ट कर रहे थे। और दोस्तों इस मैसेकर के बाद, इस कत्लेआम के बाद कई हिंदू ब्राह्मण, हिंदू पंडित या कश्मीरी पंडित रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हुए। वो आज भी ये कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू जिन्हें कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा, इन एक विशेष समुदाय के शांति दूतों के द्वारा सताया गया, उनके घर लूटे गए, उनको मारा गया, उनका रेप किया गया महिलाओं का, तो इसलिए वो लोग अभी तक इस चीज़ को नहीं भूल पाए और इस मूवी ने उसी को आज पिक्चराइज किया है, लोगों को दिखाया है, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। दोस्तों ये कश्मीरी पंडित अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अपनी जन्मभूमि में जाएंगे, अपनी ज़मीन पर जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे और इस पर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे जो भी गवर्नमेंट आए। दोस्तों इसको इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करिए, जितना हो सके उसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।